हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब सभी लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है। यहाँ पे एटलाना सो रही थी, अभी अभी उठी है एटलाना को। अभी भी नींद आ गई? नींद आ गई? हाय करो जी, हाय करो, हाय करो। एटलाना नहीं बोलेगी अभी हेलो। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक और राई का साग, तो दोनों को मिला के मैं बनाऊँगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो साग बहुत ही सारा है, आप लोग देख सकते हो इतने सारे हैं। तो मैं अभी इसको धोऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, मैं अभी धोऊंगी इसको, क्योंकि एक साथ धोया नहीं जाएगा, नहीं तो बालू बालू रह जाएगा। ये रहा पालक, पालक भी देख सकते हैं अभी इतने बड़े बड़े हैं पालक। तो साग धोना हो गया है मेरा, तो मैं अभी इसको चॉपिंग करूंगी, काटूंगी काट के, क्योंकि काट के अगर मैं धोती तो बालू बालू रह जाता मिट्टी और हो, इसलिए साग को मैं पहले धो लिया, धो के फिर मैं अभी काटूंगी। तो मेरा काटना हो गया, अभी काफ़ी समय लग गया, काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी आप देख सकते हो इसमें, इस वाले कुकर में इतना कुकर का बन गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा पानी, और मैं अभी डाल रही हूँ नमक। बंद कर लिया है, तो दो तीन सीटी में मैं इसको बंद कर दूंगी, तो उसके बाद में मैं आगे बनाती हूँ। तो मैं अभी उसके साथ खाने के लिए बना रही हूँ चावल, तो अभी मैं चावल बैठाऊंगी। और एटलाना मेरी इधर है, ये रहे एटलाना, ऑरेंज खा रही है एटलाना इधर डाइनिंग में बैठ के। तो मैं अभी चावल बनाने जा रही हूँ, तो ये चावल मैंने ले लिया है कुकर को, तो चावल बैठा देती हूँ, तो सब्जी के बनते बनते चावल भी मेरा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज और टमाटर, और मैं ले रही हूँ दो मिर्ची ले रही हूँ। अगर आप स्पाइसी खाते हो ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हो। तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे है मेरा पीस के रखा हुआ है पहले से, तो मैं इसको अभी ग्राइंडर में पीस दूँगी यहाँ पे डाल के। बन गया है ये, तो मैंने कुकर खोल दिया है, यहाँ पे बॉईल हो चुका है, तो ये आप लोग देख सकते हैं बॉईल हो चुका है। तो मैं अभी इसको, मेरे पास ये है, तो भी इसे अभी थोड़ा मिक्स करूँगी इसको, तो ऐसे मिलाना पड़ेगा मुझे साग को, थोड़ा गलाना पड़ेगा इसको। यहाँ है तेल, तेल डाला है मैंने। तो इधर अंडा बॉईल हो रही है, लंच के लिए अंडा भी बॉईल कर रही हूँ मैं। चावल बन गई है, तो ये है मेरे मसाले, और ये अदरक लहसुन, और तो मैं डाल रही हूँ अभी जीरा, जीरा है। अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तो मसाला पक रहा है यहाँ पे। मैं ऐसे मसाला को अच्छी तरीके से पकाऊंगी, पानी डाल के मैं फिर मसाला को पकाऊंगी अच्छी तरीके से। वेट लेना, वेट लेना, कोको मेलन, कोको मेलन नहीं बैठेगी, हो गया नहीं बैठेगी, हो गया बनना।
तो ये मेरा मसाला बन गया है क्योंकि ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, ये तो पक चुका है। तो मैं अभी इसमें डालूंगी साग, इसको डाल। तो बन गया है, तो मैंने इसमें अभी तड़का लगा के डाल दिया है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर तक बनाऊंगी, बनाने के बाद इसमें फिर मैं डालूंगी सूखा मिर्ची और घी डालूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर हो गया है ये तड़का लगाने के बाद में। तो बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे। तो ये जो पानी दिख रहा है ना, ये साग का ही पानी है। तो मैं इसको सुखाऊंगी, सुखा रही हूँ मैं। तो ये पानी सूख चुका है अभी। तो मैं डाल रही हूँ घी। तो ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है, अभी हम लोग खाएंगे, लंच करेंगे। तो है स्प्राउट, स्प्राउट के लिए मैंने ये काट दिया प्याज, खीरा, धनिया और ये है अंडा। ये रात का मामा, अंडा बोन, चावल। तो खाना खाएंगे अभी हम लोग लंच। लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे, तो अभी उठ गए हैं। तो मैं दूध गर्म करी हूँ यहाँ पे, एकलाना के लिए सेवैया बनाने के लिए। और एकलाना तो अभी शाम का समय हो गया, हम लोग का प्रेयर टाइम हो गया है अभी। तो आज का वीडियो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।